कांदिवली पूर्व के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में स्थित तेरापन भवन में अपनो परिवार थल्ली संस्था द्वारा होली महोत्सव 2020 का आयोजन 1 मार्च की शाम को किया गया, जिसमें राजस्थान से जुड़े लोकगीतों, नृत्य और सभ्यता को घूमर के तौर पर राजस्थानी संस्कृति से जुड़े लोगों तक पहुंचाया गया, जिसमें राजस्थान के सांस्कृतिक, धार्मिक और वीरताओं के किस्सों को कलाकारों ने बखूबी निभाया। वह इस कार्यक्रम में मुंबई में रहने वाले राजस्थानी परिवार मौजूद रहे। वह इस कार्यक्रम की शुरुआत लोगों ने दीप प्रज्वलन करके की। इतना ही नहीं, अपनो परिवार संस्था ने सभी आए हुए अतिथियों के लिए खान पान की भी व्यवस्था की थी। आइए जानते खास रिपोर्ट। पूनम बर्डिया सरदार शहर आपनो परिवार थली प्रदेश के मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और हम सब आपनो परिवार की टीम अभी मेरे साथ अध्यक्ष जवनिमल जी दुगड़ हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए। हमारी कोशिश यही थी कि पूरे समाज में अच्छा संदेश आए, भाईचारा बने और हमारा नहीं पूरे समाज का प्रोग्राम अच्छा हो, यही प्रभु से कामना किए। आज हमारा बहुत अच्छा सक्सेस प्रोग्राम हुआ है। लगभग 1200 की गैदरिंग थी, 3 पार्टियां आई थी और बहुत अच्छा हुआ। आपका और पूरे समाज का धन्यवाद। मेरा नाम विमल दुगड़ है, मैं होली कमेटी का चेयरमैन हूँ और मेरे सभी साथियों के द्वारा जो मुझे सहयोग दिया उनके बिना ये सक्सेस नहीं मिल सकती थी। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और ये हमारी सामाजिक संस्था है और समाज के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम करती है। आज का जो होली प्रोग्राम है हमारा बहुत ही सबके सहयोग से इतना सुंदर ढंग से ये हुआ है कार्यक्रम। धन्यवाद। आप लोग परिवार थड़ी। ये संस्था समाज के विभिन्न लोगों को, विभिन्न क्षेत्र में फैले लोगों को एकत्रित करना, सबको संगठित करने बनाया गया है जो सुख दुख में सब जगह काम आ सके। होली और दिवाली का प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि जो लोग दूर दूर रहते हैं वो साल भर में कभी भी एक दफ़ा नहीं मिलते, वो सब मिल जाते हैं। और ये संस्था का उद्देश्य आगे जाके शिक्षा क्षेत्र में भी सहायता करने का है। अच्छा, और इस संस्था से आप कितने सालों से जुड़े हुए? मैं तो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, कितने साल हुए संस्था को? करीब 20 साल हो गया। 15-20 साल हो गए।
मुंबई प्रवासी हूँ, सांता क्रूज में रहता हूँ और डायमंड व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ। अपना परिवार लगभग 18-20 साल से है और मैं इससे लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। अली समाज में अली साइड के कम से कम 50 गाँव के लोग इससे जुड़े हुए हैं और सब अपना योगदान इस प्रकार की संस्था को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। आने वाले समय में भी योजनाओं के अनुसार इसमें